पाकिस्तान सरकार की गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में सिंधु नदी पर डैम बनाने की एक परियोजना को लेकर फिर तनाव खड़ा हो सकता है। पाक सरकार ने डियामर-भाशा डैम बनाने में अब चीन की तरफ भी मदद की आशा भारी निगाहों से देखा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि काफी समय से लंबित इस प्रोजेक्ट को चीन की तरफ से फंड मिलेगा। इस डैम को लेकर भारत की आपत्तियां हैं, यही वजह है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान को यह उम्मीद चीन के नई वन बेल्ट वन रोड नीति के बाद से जगी है। चीन इसके तहत आधुनिक सिल्क रोड बनाना चाहता है, जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते हुए व्यापार के लिए नई राह खोलेगा। 12 सेकंड 14 बिलियन डॉलर के डियामर-भाशा डैम प्रोजेक्ट से 4,500 मेगावाट बिजली के उत्पादन का अनुमान है। इसके अलावा यह पाकिस्तान में सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए भी अहम है। भारत को सिंधु नदी बेसिन के इस प्रोजेक्ट पर गहरी आपत्ति है। भारत की आपत्तियों का ही नतीजा है कि वर्ल्ड बैंक समेत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इस प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए तैयार नहीं है। भारत शुरुआत से ही सिंधु नदी घाटी में ऐसे किसी भी निर्माण का विरोध करता रहा है। भारत ने CPEC पर भी अपना विरोध जताया है। 57 बिलियन डॉलर का यह कॉरिडोर भारत पाक के बीच विवादित इलाकों से गुजरने वाला है। यही वजह है कि भारत इसे किसी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है।